मच्छरों का शिकार रहता हूँ, झूठा मूठा बीमार रहता हूँ, आखिरी दिन हो जब महीने के मांगता मैं उधार रहता हूँ, लड़की है जारी तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालचाल है जी? बिल्कुल ठीक है सर। आज तो माशाल्लाह ब्लैक कोट पहन के बड़े इनोसेंट लग रहे हैं सर। आए हाय, वाकई बड़े मासूम आदमी ने जी। अच्छा जी, इन्हां दे मोहल्ले च लड़ाई हुई ते एमपी आके कहिंदा मैं तुहाडे लई की कर सकना, कहिंदे जी मैनूं किस्तां ते मोटरसाइकिल लै दे। इनका भाई एक ना मोहल्ले में आवारा फिरता रहता है। अच्छा, मैंने कहा इसको दाखिल करवाएं ताकि ये तरक्की करे, ते जाके अस्पताल दाखिल कराए। मैं सारा कोट पाया ते सारे कहिंदे भाई ला करन दे, कहिंदे नहीं आज तारीख ते जाना। मुझे बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। 25 मई को हम लोगों ने टेलीविजन के ऊपर बहुत से मनाजिर देखे, कुछ पेशावर से आने वाली रैली के थे, कुछ मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थे, लेकिन एक तीसरा मंजर जो कि उस दिन भी बहुत प्रोमिनेंट रहा और उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर बहुत से मनाजर हम भूल गए, लेकिन वो एक मंजर बार बार हमारी याददाश्त में आता रहा और मुझे लगता है आता रहेगा। और उसके नतीजे में जिन खातून का वो इमेज था उनको मुख्तलिफ खिताबों से नवाजा गया। लोगों ने कहा कि वो आयरन लेडी हैं। मेरे ख्याल से आयरन लेडी तो मार्गरेट थैचर भी थी, लेकिन ये लायनेस ऑफ लाहौर जरूर हैं, मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद। और हमारी दूसरी मेहमान फैशन मॉडल एंड फैशन इन्फ्लुएंसर मोहतरमा महम याकूब। वेलकम टू द शो जी। शेर पढ़ने से पहले मैं आप ही को एक सलूट पेश करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, MPA हैं PTI की, हमारी प्यारी बाजी यास्मीन राशिद। अगरचे डॉक्टर हैं फिर भी पॉलिटिक्स करती हैं, बड़े जिगरे की हैं ठाकुर हमारी यास्मीन राशिद। झूठे दे कोलों पढ़िया दे विच गल नहीं हुंदी। गल नहीं हुंदी की गल है? झूठे कोलों परियां दे विच गल नहीं हुंदी, सोच विचार दे बाजों मुश्किल हल नहीं हुंदी, ते मिठा होण लई शिकर दुपहरे तपना पैंदा, रुखां थले खरबूजे दी वल नहीं हुंदी। एकदम लाखों दिलों में समाई है, अरे वाह वाह वाह, दुश्मनों के सामने बादल की तरह छाई है। आज वासे भाई हमसे तमीज से बात करना, आज PTI की शेरनी आई है। अल्लाह जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? मैं खैरियत से हूँ। खैरियत से हैं? ये आपने क्या किया? ये आपको खुद अंदाजा था कि ये जो हो रहा है उसके अंदर से एक, जिस तरह मैंने कहा शुरू में कि एक सबसे जो एक प्रोमिनेंट एक विजुअल सारी कौम के सामने आ गया, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, विच वॉज नॉट प्लान्ड, वो आपका बीच में आ गया। और अब हम सब कुछ पिछला चाहे कुछ हद तक हमारे जहनों से निकल भी जाए, मगर वो एक विजुअल जो है स्टैंड आउट कर रहा है। बात ये है कि एक सबक हमें तो बचपन से सिखाया गया, जब जुल्म और ज्यादती हो उसके सामने खड़ा हो जाना चाहिए, और अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उसके मुखालिफ बोले। तो हमें तो शुरू से आदत है उसके खिलाफ खड़े होने की, तो इस वजह से। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बतौर इंसान इस बात को समझते नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं। एक, उसने रिस्क अपने पास रखा हुआ है, इज्जत और जिल्लत अपने पास रखी हुई, और मौत अपने पास रखी हुई, तो फिर डर किस चीज़ का? यानी हम एक पुरअमन मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है मेरी गाड़ी में तो वैसे ही मेरी बेटी और मेरी बहन बैठी हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने पहले वो घसीट घसाट के मेरे ड्राइवर को निकाला, उसके बाद नेचुरली मैंने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की। तो मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना जालमाना अंदाज होगा, लेकिन ये तो फिर वो वाली बात है, मैं भी 72 साल की हो गई हूँ, इस तरह के बहुत सारे जलसे जुलूस और इस तरह के बहुत सारे जुल्म हमने देखे, लेकिन हम खड़े इसलिए हैं
कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं कम से कम अपने मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो, कि हम एक खुददार कौम हैं। हम वो कौम हैं जो किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम वो कौम हैं जो किसी की महकूमियत में नहीं आएंगे। इसी वजह से ये सारी बातें, देखिए अगर मैं कन्विंस्ड ना हूँ ना तो मैं कभी कुछ ना करूं। लेकिन आप पास ही फेसबुक पे देख रहे थे उसी के तो फ्लैंक एक मार देना उस बंदे को मजा आ जाना। मेरा दोस्त कह रहा है कि आप क्यों नहीं बोल रहे, मैं कह उन्होंने जॉगर नहीं पाए होंगे। जॉगर पहने हुए थे। मसला ये इन्होंने पहले गाड़ी में से मुझे घसीटने की बाहर कोशिश की और अच्छे बड़े बड़े दो तीन डशकरे थे, तो वो उन तीन डशकरों को एक तो हमने रिजिस्ट कर लिया। लेकिन फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, इतनी उन्होंने इस वक्त तक शेलिंग कर चुके थे और हमारे बच्चों को इतना मार चुके थे। मैंने तो आगे गाड़ी लेके गई कि मैं जाके मैंने वहां रोकी, आपने पता नहीं अगर फुटेज देखी है, आई स्टॉप द कार। मैंने कहा कुछ सीनियर पुलिस वाला होगा, मैं पूछूंगी भाई हद हो गई है, क्या कर डाला हमने जो तुम लोग के साथ। उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए गाड़ी। वैसे अब आप आखिरी बार आपने ऐसे गाड़ी कब चलाई थी, कोई आपको याद है? दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कि मैं तो 16 साल की उम्र से कार चला रही हूँ। अच्छा। एंड अपनी मियां मिठू नहीं बनना चाहिए लेकिन आई एम ए गुड ड्राइवर, माशाल्लाह बड़े बड़े मुश्किल जगहों पे ड्राइव करती है, तो आई ड्राइव, मैं तो अभी भी ड्राइव करती हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है। और ऐसी ड्राइव भी आपने काफी की हुई है, ये जो आपने उस दिन हमने आपके जो स्किल्स देखे हैं। लेकिन उस दिन की जो आपकी स्किल्स देखी उसके बाद तो आप माइकल शुमाकर की खाला भी लग रही थी हमें। जिस तरह आपने वो गाड़ी की है ड्राइव, और इट वॉज नॉट अ स्मॉल कार, वो अच्छी खासी बड़ी गाड़ी को आप लग नहीं रहा था कि आप कोई हेसिटेशन है आपको इस गाड़ी को किसी तरह ऑपरेट करने। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान की जो सड़कें हैं और स्कर्दू की, मैं सारी जिंदगी वहाँ खुद ड्राइव करके आई बीन गोइंग देयर रेगुलरली। मैं हर साल में दो दफ़ा जाती थी वहाँ, मैं मेडिकल कैंप किया करती थी स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, फ्री ऑपरेशंस करती थी, तो ड्राइव करने मैं खुद ही जाया करती थी। ये कोई 4 साल पहले की बात है, अभी मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही थी तो अपने साथ स्टूडेंट्स लेके गई। हम जगलोट पहुँचे ना तो मैंने कहा भाई पेट्रोल फिल कर लें, तो मैं गाड़ी ड्राइव करी थी, पीछे दो गाड़ियाँ और थी। नेचुरली ड्राइवर भी एक मेरे साथ होता है, तो वो गाड़ी जब फुल करवाने लगा ना तो उसको आहिस्ता से पेट्रोल पंप वाले ने आके कहा कि अम्मा जी को कहो उतर जाए, आगे बड़ा रास्ता खतरनाक है। मेरे ड्राइवर ने उसको कहा इस अम्मा जी ने ही हमें सड़कों पे ड्राइव करना सिखाया, मत फिक्र करो। ड्राइव ही किरण क्या, जब अगली लॉन्ग मार्च होगी ना डॉक्टर साहब तो ड्राइव आप करेंगे कंटेनर की। ऑन रिकॉर्ड खान साहब, जब मैं जनरल सेक्रेटरी थी अपनी पार्टी की 2011-12 में, मैंने बहुत जगह खान साहब को खुद ड्राइव करके लेके गई हूँ। खान साहब ने मेरे साथ और मेरी ड्राइविंग पे वो काफ़ी उनको एतमाद था। अच्छा। मुझे अभी तक याद है कि हम सादकाबाद से चलने शुरू हुए, रहीम यार खान जलसा किया, फिर वहाँ से हम भावलपुर गए, फिर मुल्तान गए, तो मैं ही आई वॉज कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग। इसी तरह बहुत दफ़ा खान साहब के साथ मेरी गाड़ी में बैठ के खान साहब सफर करते थे। लेकिन आपा जिस तरह आपने माशाल्लाह ड्राइविंग की तेज गाड़ी, मसलन जवानी में मैं ये कहूंगा वन व्हीलिंग तो की होगी आपने। मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती है। ये अगली बार के लिए सुन ले सारे पुलिस वाले कि अगर गाड़ी ना हुई तो आपको मोटरसाइकिल में भी ये करके दिखा सकती है। बाय द वे मैं फ्लाइंग भी कर चुकी हूँ। अब आप देखे बात को बढ़ा रही है। हर चीज जो चल सकती है उसको मैंने चलाया, ट्रक भी चलाया हुआ है, बस भी चलाई हुई है, इसलिए बिल्कुल ये जो है ना हमारे मुखालफीन इस वक्त जिस तरह उनको कहिए कि मैं खुद ही काफी एडिक्वेट हूँ हर चीज मिलाने जुलाने के लिए। माशाल्लाह वो तो देखे उस दिन हम मानते हैं, एक चीज तो हमें नजर आ गई और हम वैसे भी जनरली देख रहे थे क्योंकि वो कई बार होता है ना कि वो इतनी जगह एक्टिविटी हो रही होती है तो कैमरास डिफरेंट चीजें दिखा रहे होते हैं, कभी आप रैली दिखा रहे हैं, फिर बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई हुकूमत की वो दिखा दी। अच्छा उसके बाद जो कट करके तीसरा विजुअल होता था ना वो हमेशा आपका ही होता था क्योंकि और कोई विजुअल ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था हमें। बात ये थी कि अनाउंसमेंट क्यों हुई थी कि हमने बत्ती चौक से निकलना है। बिल्कुल सारी ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने बत्ती चौक पे लगाई हुई थी। बत्ती चौक मेरे हल्के में है जी, तो मेरे हल्के के सारे लोग वहाँ थे। मैंने तो जिंदगी में क्योंकि मैं तो इंशाल्लाह इस सितंबर में 72 साल की हो जाऊँ और 16 साल की उम्र से जलसा जलूस कर रही हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं है जिदा, और मार्शल लॉज के ज़माने में भी किया। लेकिन ये मैं बता दूँ जिस बेदर्दी से ये पुलिस अहलकार ने ख़ास तौर पे ख़ास वो जो ग्रुप का खड़ा था जिसने ये मेरी गाड़ी वाड़ी तोड़ी, मैंने इस तरह का तशद्दुद आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको सीरियसली बताऊँ वजह ये था कि ये नहीं था कि वो मेरी गाड़ी तोड़ना चाह रहे थे,
वो इस तरह लग रहा था कि वो मुझको मारना चाह रहे हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, वो तो शीशे टूटते वूटते, अगर मैं तेजी से ना निकलती, मैंने तो रोकी गाड़ी बात करने के लिए, जब देखा उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए तो मैंने गाड़ी निकाली। तो अगर वो टूट के शीशा अगर मेरे सर पे कोई डंडा लग जाता तो पुलिस वाले ने चाबी नु हाथ पाया थे बाजी गंदे हट छड़े दे। मेरे तो शुक्र करो और हाथ तो मैं चक मारन लगी सा। ये होती है आपकी जनरेशन अगली वाली, इंस्पिरेशन मिली है कोई आपको? बहुत ज्यादा, मैंने सैल्यूट किया है इनको, इनकी ब्रेवरी को। आई टोल्ड हर शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन इवन लाइक माय सेल्फ। बिल्कुल, शी हैज बीन एन इंस्पिरेशन और एकदम माशाल्लाह। हम कहते हैं, हम तो अजीब ऑ में थे कि ये मतलब डॉक्टर साहिबा कर क्या रही है। और एक मैं क्रेडिट जरूर देना चाहती हूँ मीडिया को, इतनी शेलिंग के बावजूद, इतनी टेयर गैस के बावजूद, अगर हमें कोई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन उस जालमाना पुलिस से मिली है तो वो इस वजह से थी कि वहाँ मीडिया मौजूद था। मीडिया हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड इन दिस, कि मीडिया की कवरेज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, टू शो कि अगर कोई ज्यादती हो रही है तो कम से कम रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल। मैं पीटीए के एक बंदे ने पूछा, मैं कहा तू इस्लामाबाद नहीं गया? कहते मैं इस्लामाबाद जाना ही पर अगे राणा सी। Other than being influencer, आप एक और चीज बड़ी करती है कि आप जो बजट होता है उसके अंदर कहती है कि स्टाइल करके दूंगी। Yes, 100%. महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, so the one thing that I focus on is कि कम पैसे खर्च के भी आप किस तरह एक बहुत अच्छी एक decent look बना सकते हो। और ये कोई least आपका figure क्या है जिसके अंदर आप? अभी मैंने recent एक video बनाई थी 7 days ago, 900 में मैंने पूरा एक suit लिया। 900 में? Yes, from Liberty Market and we have amassed 1 million views on that video. Alhamdulillah, I'm like over the moon right now. 900 रुपए के अंदर आपने कैसे कर लिया ये सब कुछ? बस ये मिलता है, it's everything is readily available in our market. तुसी शुभाशी सालों मिलो और उन्होंने दसो ये तरीके हमारी यंग बच्चियों के लिए, क्योंकि नेचुरली हर बच्चा चाहता है कि प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, और अगर कोई बंदा लिमिट हो जाता है तो वो पैसे और कीमत की वजह से हो जाता है। आप एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सेटअप कर रही हैं कि कम पैसों के अंदर भी अच्छे कपड़े पहने जा सकते हैं, और ये बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि बिल्कुल कम पैसों में भी बंदा अच्छे कपड़े पहन। कपड़े तो याद है कि शिवाशी साहब कहते ना, कपड़े बेच के मैं आटा लेके दियांगा, हैं उन पेट्रोल महंगा करके कपड़े वापस लेने हैं उन्होंने। सर 30 रुपए लीटर बढ़ गया जी। बिल्कुल, तुसी साइकिल ते है, तानू किन गल्लां दा पता? ये भी एक अच्छा हेल्दी एक्टिविटी है, साइकिल के ऊपर भी आना चाहिए। मैं तो आपको भी कई बार कहा है अकरम भाई पैदल आए फिर हेलमेट पाया वे कुछ। गुजरी कहानी लग रही है, ये महंगाई तूफानी लग रही है, कोई लीडर की बातों पर फिदा है, किसी को बदजुबानी लग रही है, कोई इसको समझता है तसल्लत, किसी को हुक्मरानी लग रही है। हाँ हाँ आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस, ये आप बचपन से ही इतनी पॉजिटिव हैं और इतनी स्माइलिंग हैं। आपको पता है कि मुस्कुराहट जो है वो भी सदका जारिया होता है। अल्लाह ताला कहता है कि जब आपको इस दुनिया पे भेजा है तो मैंने आपका मुकद्दर बना के भेजा हुआ है, और मैं आपको इम्तिहानों में से गुजारूंगा। दो तरीके से आप इम्तिहान में से गुजर सकते हैं, या रोते हुए गुजरेंगे या हंसते हुए गुजरेंगे। जब आप मुस्कुरा के गुजरते हैं तो आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुकम्मल यकीन करके गुजरते हैं, क्योंकि इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह कर रहा है वो मेरी बेहतरी के लिए कर रहा है। और मैं तो हमेशा इसी बात पे सोचती हूँ, और मैं ये सारे जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये बावर कराना चाहती हूँ, अल्लाह के ऊपर ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए इस मसले के अंदर, और आपको कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं होगा। इलेक्शन लड़ी, आपको पता 3 दफ़ा हार चुकी हूँ, तो मुझे अभी तक याद है कि मैं हारने के बाद भी मुस्कुरा रही थी, तो मेरे बच्चे कहते थे कि आप कैसे मुस्कुराती हैं। मैंने कहा अल्लाह ने कुछ मेरे लिए रखा होगा जो मैं मुस्कुरा रही हूँ। और वही वाली बात हुई कि मैं मिनिस्टर बनी, वरना 3 दफ़ा हारे हुए बंदे को तो कोई मिनिस्टर नहीं बनता। ये तो ऊपर वाले का काम है, इज्जत दे, उसका काम है जिल्लत दे। आपके पास दुनिया जहाँ के पैसे हों और आप जलील होते फिर लोग सड़कों पर चोर चोर कह के आवाज़ें देनी शुरू कर दें, आपको दरवाज़ा बंद करना पड़े। एक हमारे जैसे जिनके पास कोई पैसे नहीं है, ना कोई चोर की आवाज़ देता है, ना कोई और बुलाता है। अल्लाह ताला के ऊपर हमारा यकीन है, जो हमारा वो कहते हैं ना, असल में तो ईमान ही ये है
कि अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। दैट इज वाई आई स्माइल। माम आप भी मुस्कुराएं, आप भी मुस्कुराएं, अल्लाह ने मजाकरात रहे आपके लिए भी कुछ रखा है। हाँ ये सामने क्या रखा है? ये तोहफा जो साहब मिल गया गिफ्ट, वो मैं इसलिए देख रहा हूँ, वो मुस्कुरा नहीं रही थी ना। मैं आपको देख के बहुत मुस्कुरा रही हूँ, दिल से खुशी हो रही है मुझे। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी जब आप आई, वो तो आपा थी साथ, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कर सका, लेकिन मुझे तो खुशी होती कोई ऐसा शख्स भी होता ना जिसे देख के दिल को भी खुशी होती है कि ये कितना प्यारा है, कोई जिंदगी में ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। कौन है वो? मेरा मियाँ। उनका नाम क्या है? जैन। जैन भाई से कहना कि आपके भाई आपको सलाम कर रहे हैं। तो जैन भाई तो हमारी जान है, अल्लाह पाक हमारी बहन को भी खुश रखे। गुड हाउ आर यू? यू नो पॉलिटिकल कंडीशन हैव डैमेज मी द मोस्ट। हाउ कम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह। कैसे? यू नो मैं उसे शालमी चौक के विच ना गिटार ला के ते अपनी रोजी रोटी का कोई मेला लाया सी। अच्छा। उठो कोई खुदा तरस सेठ गुजरे। ठीक है। मैंने कहा ना बैगिंग इज नॉट गुड। ओके। मेहनत करो, बिजनेस करो। हाँ। जो बातें याद रखो। ओके। मेहनत करो और हसद ना करो। ठीक है। यू विल बी रिच वेरी सून। ओके। मैं कहा मशवरे ते हर बंदा देंदा है। हाँ। बाकी कोई अगों गल नहीं दसदा। हाँ। उन्हें कहा मेरी फैक्ट्री है चप्पलों की। ठीक है। गर्मियों के विच सीजन है, मेरे को तू चप्पल ले जा 10 दर्जन। ठीक है। किधरे कपड़ा पा के ते बेच 50-50। अजी हाँ चप्पलों के पैसे तू देने ने। ठीक है। मैं उन्होंने को चप्पल लिया के ते पुरानी अनार कुली आ गया। यू नो सियासी हालात बड़े खराब ने, उतों लोग की भी बड़े जज्बाती ने। मैं दुकान शुरू की थी। ठीक है। इधर पीटीआई वाले की दुकान सी कपड़े की, इधर नून लीग वाले की दुकान सी टायरों की। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੇ ਮੁਲਕੀ ਇਲਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਮੁਲਕੀ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 300 ਜੀ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਵੀ ਗੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਫੜਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪਲ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਠੀਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ।3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। बाजी दी बेटी केरी पार्टी च? वो उनकी बेटी नहीं है और वो इन्फ्लुएंसर है माम। वाओ शी इज नाइस। बाजी वो उन्होंने किया 12,000 रुपया लेके आओ तो मैं अगला सामान दूंगा। 12,000 ना ना होए। 12,000 तेनू कित्थों मिलना? उन्होंने अपनी स्क्रीनां पौनियां ने। सारी गलती टुट गई है, सारी गलती टुट गई। बाजी ने पूछा मैं क्या शीशे क्यों नहीं पवाए? कहंदे अगला धरना वेख के पवाने। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਣੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਹ ਮਨੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਓ ਬਾਜੀ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
उसे लिखो ये नमक है ताकि कीड़िया नो पता ना चले। वेलकम बैक। माँ हम ये बताएं क्या सिर्फ पैसों के ऊपर अगर मैं आपको कहूं कि 5000 रुपए के अंदर इनको सही करना है तो ये क्या फिगर काफी होगा इतने पैसों का? 5500 फर्नीचर बन सकता। खान साहब से आपकी बात हुई है कुछ दिनों में? नहीं अभी मेरी तो खान साहब से इंशाल्लाह मीटिंग है अगले एक दो दिनों के अंदर उनके साथ। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो मैं ये समझती हूँ, देखिए हमारे पास तो सिर्फ पाकिस्तान है, हम तो कहीं और ना बसने जा रहे हैं, ना हमारा कोई बसेरा है, ना हमारे बच्चों के बाहर कोई बसेरे हैं कि मैं बाहर चली जाऊँ। हमारे लिए तो यही पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वजह ये है कि मैंने तो अच्छा पाकिस्तान देखा हुआ ना, जब मैं पैदा हुई थी इस पाकिस्तान में, बड़ी हुई यहीं, पढ़ा, पढ़ लिख के डॉक्टर बनी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मेरा ख्याल है 2-2.5 साल ही मैंने बाहर गुजारे, वरना तो मैं सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रही हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से इससे बड़ी नेमत हमें नहीं मिल सकती। कोविड के दौरानिया के अंदर अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी हमारे पर। आपके उस ज़माने में भी आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया तो हमारे पर ख़ास करम नवाजी थी कि हमने वो कुछ नहीं देखा जो आपके हमसाए मुल्क में लोग सिस्कियां ले लेके सांस रुकने की वजह से मर रहे थे। आपने देखा था ना सारा? मेरा मतलब ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी दी हुई नेमत है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है कि कल जब मैं नहीं रहूंगी इस दुनिया में, मेरा 72 साल है, कितने 2-4 साल और जो भी गुजरना है, दो घंटे बंदे को क्या पता। अपनी औलाद के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रही हूँ मैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रही हूँ। अफसोस मुझे इस बात का है कि एक वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ जहाँ करप्ट लोग जो हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो कन्विक्टेड है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, कोई चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है, कोई दंदनाते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, तकरीरें दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, हम अगर चले भी जाते वहाँ इस्लामाबाद में, खान साहब ने तो ऑलरेडी इस बात पे एग्री कर लिया था कि हमने जलसा करके वापस चला जाना है, तो आपको रुकावटें डालने की क्या ज़रूरत है? और हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए क्या इस तरह की हरकतों से आप कोई चीज़ रोक सकते? बिल्कुल। जब अब लॉन्ग मार्च होगा तो आप जाएंगी? इतनी प्यारी बातें सुनी, हम तो जाएंगे, आप भी जाएंगी? 100% I stand with Pakistan। अपनी सोटी ना ले आओ, बड़ा जुल्म होना जे बाद। बगैर वारंट तो किसी का घर नहीं वड़दा। मैं बगैर वारंट तो अपने घर नहीं वड़दा। मैं 3 दिन पहले अंडरग्राउंड हो गया। अच्छा, आप अंडरग्राउंड हो गए? मैं तो डाला कटिया सीधा तौं से। अच्छा, हाँ जी, बुजदार साहब को हाँ। ख्याल मैं उन्होंने हिफाजत कर रहा था। नहीं नहीं, उन्होंने मेरी बांह फड़ी हुई सी, मैंने कहते ना जाई, मैनू डर लगता। अचानक मैं वेखिया आपी दी गड्डी। मैं के मेरी बाजी बजिया कटिया डाला। ठीक है, मैं रस्ते ठंडे पानी दी बोतलां लाइया ने। ठीक है, मैं क्या बाजी का लम्मा सफर है। हाँ। बाजी नूं जाके ठंडी बोतल दिया। ठीक है, आ फ्रेम दे विच बाजी आए ने। हाँ। इन्होंने मारे यू टर्न। हाँ। चीक दी आवाज आई होनी है। हाँ। आए मैं मर गया। हाँ। ओ मेरा पैर तुहाडे टायर दे थल्ले सी। वापस सुटिया देखा था हमने। सीधा मेरे हल आए। अच्छा, मैं ऐ करके ध्यान करके हल्का जा ऐ कीता। ठीक है, चौकस ते मैं है सा। बिल्कुल, गुस्सा मेनू एडा चढ़िया। हाँ। चुकी मैं शैलां ली गन। ठीक है,
पहली बारी चुकी ठीक है उससे पहले मैं कभी चलाया नहीं सी गान में कीती है सिद्धी थल्लो में शैल चुकी है घोड़े ते मैं हाथ रखे है शैल हाले में पूरा नहीं सी ठोकया घोड़ा ते दबे होया सी ठीक है शैल चले है ठीक है गान डिगी है ठीक है ते मैं शैल दे नाल जा रहा पी सीधा मेरे वाल मैं फड़िया मूह मैं कीता वापस पुलिस वाले बलूदा बना देना सी लेकिन बंदे अच्छे सन उन्होंने कहे नहीं भाई बुरी गल है मेरी जिंदगी बच गई जिंदगी तो खैर बच गई पानी दी छे बोतल भी बच गई ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਡਸ਼ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਤਾ मैं एक गल दस सबसे अहम चीज ये है कि जब हम आज़ादी ब्रिज से उतर रहे थे तो वहाँ सामने से पुलिस हट गई थी अब दूसरी उस पर हम ऑब्स्ट्रक्शन पे पहुँचे तो हटी तो हमारे बच्चे ज़रा इश्तियाल में आपको पता जवान खून होते मैंने गाड़ी से निकल के उन बच्चों को रोका मैंने कहा इन पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं है तो बेचारे हुक्म दिया हुआ है तो इसलिए खड़े इनको कुछ ना कहना तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें पुलिस के साथ भी उतनी ही हमदर्दी है जितने अपने लोगों के साथ है और कोई शक नहीं है मैंने तो दिल में कोई बात रखी नहीं इस वजह से कि ये साड़ी बाजी उतनी सारे बच्चों ने कोरोना के विच बचाया है अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बड़ी ओ मैम जी मैं तो हूँ नेड़े आके वेखे ने मां चल आपके हम सेहत नहीं है वो इसलिए जेडे टॉप मॉडल पाकिस्तान के विच ने ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਚਿੰਗਲਾ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹਮ ਸਾਦੀ ਪੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿੰਗਮ ਲਗਾ ਲਾ ਸਿੰਗਮ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਚ ਮੈਂ ਸਿੰਗਮ ਤਰੇ ਟੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਰੁਖਮਾ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ जी मेरी आज की खबर एक ऐसे भिखारी के बारे में है जिसने अपनी बीवी को 90,000 की बाइक खरीद दी हुआ यूं कि इंडिया से ताल्लुक रखने वाला ये भिखारी ट्राइसिकल पर अपनी बीवी के साथ भीख मांगने जगह जगह जाता था मुसलसल ट्राइसिकल पर सफर करने की वजह से जब उसकी बीवी की कमर में दर्द हुई और उसने ये शिकायत अपने शौहर से की तो उसने फौरन अपनी बीवी के लिए 90,000 की बाइक खरीद ली शोहर का कहना है कि वो लोग रोजाना 300 से 400 रुपया कमा लेते हैं और ये 90,000 रुपया इनकी सारी उम्र की जमा पूंजी है उसने ये भी बताया कि वो बाइक खरीदने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अब वो इस बाइक के जरिए दूसरे शहर भी जाकर भीख मांगा करेंगे लिहाजा उनकी इस एक्ट से ये साबित हुआ है कि बेगर्स कैन बी चूजर्स वाली लाइन गलत है उन्हें बीमारी के पैसे नहीं लाए मोटरसाइकिल ते लाते लो जी बीओ बीवी मोटरसाइकिल ते जा रहे ते इशारे ते रोके आपस च गल्लां करन दे बेगम आ इशारा याद है ना इत्थों असी मांग के मोटरसाइकिल लई है और उसके बाद उन्होंने बाइक साइड पे लगाई और दोनों फिर वहीं से मांगने शुरू हो गए चलो इशारे ते खलोते ने ते एक भिखारी आया और को कहंदा जी 10 रुपए देना कहंदा क्यों जी तुसी भी मोटरसाइकिल लेनी मतलब हमारे एक संजय डॉक्टर इसमें हम आवाम को मौका देते हैं कि अगर वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहे इट्स अप टू देम वो जिस किसी से सवाल पूछना चाहे तो कौन पहले क्वेश्चन जी मैडम प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शाजिया है और मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से है सवाल ये कि डॉक्टर साहिबा अगर आपकी पार्टी दोबारा गवर्नमेंट में आती है तो क्या आप वही वजारत लेना पसंद करेंगी या कोई और वजारत देखिए बेटा जब पार्टी में आप खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए और दोबारा अगर हुकूमत हो तो ये फिर चेयरमैन हमारे जो हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सी वजारत देनी है प्रेफर तो मैं नेचुरली सेहत की वजारत ही करूँगी वजह यह है कि मेरी एक्सपर्टीज़ सेहत के अंदर है
और मुझे लगता है कि इस दौरानिया में 3.5 साल के अरसे में हमने ज़रूर अच्छे काम किए हैं जिस पे लोगों का फ़ायदा हुआ है। जैसे सेहत कार्ड है, आपको पता है कि हर फैमिली को दे दिया गया है पूरे पंजाब के अंदर, जिससे कम से कम लोगों को ये डर तो ख़त्म हो गया ना कि अगर खुदा न खास्त घर में बीमारी आए तो मैं इस्तेमाल। दूसरी बात है, आपको पता है अस्पताल हम बना रहे थे, वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे अस्पताल बना रहे हैं जी। आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 23 अस्पताल हम बना रहे थे और 7 अस्पताल मेरे इस साल मुकम्मल होने थे। गंगाराम अस्पताल के साथ जो 600-bedded अस्पताल है वो इस महीने मुकम्मल होना था। मियांवाली का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल इस महीने मुकम्मल होना था। जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है डीजी खान में, उन्होंने सारे काम रोक दिए हैं। रोक दिए हैं। उन्होंने कहा जी कोई इनका ये जो अगला बजट आ रहा है जो बना रहे हैं वो, उन्होंने उस बजट में कहा कि कोई इनका प्रोजेक्ट जो है सबको कैप कर दो। सबसे बड़ी ये बात है, मेरे दौरानिया में जितने प्रोजेक्ट्स थे इनके, मैंने किसी को रुकने नहीं दिया। वजह ये कि ये आवाम के पैसे हैं, कोई मैं अपने घर से थोड़ी पैसे लाई हुई ना, ये शहबाज शरीफ के ना मेरे, ये इन लोगों के पैसे हैं। आप अस्पताल बना रहे हैं, आप अस्पतालों को रोकते हैं कंस्ट्रक्शन से, इस पर क्या रिफ्लेक्शन है? मतलब आपको सिर्फ अपने नाम का, मैं तो कहती हूँ आप गंगाराम अस्पताल मुकम्मल करके अपनी फट्टी लगा दें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरीजों को तो सहूलत मिले ना। वाह वाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस गुमन है और मैं पूछना चाहता हूँ तरबूज ठंडे क्यों नहीं आ रहे जी जी पूछिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके जज्बे को, पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा काल के लिए सारी अवाम को कहते हैं, क्या तब भी आपका जज्बा वही होगा? इस उम्र में मैं अगर खड़ी हूँ इमरान खान के साथ तो एक जज्बे के तहत खड़ी हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और मुझे यकीन है कि इमरान खान जिस तरह मैं उनको पिछले 12 साल में समझी हूँ और जानी हूँ कि वो एक हमदर्द इंसान है, सच्चा आदमी है, वो गलत बात नहीं करता, पाकिस्तान की आवाम के बारे में उनके दिल में बहुत एहसास है। और उन्होंने वो जो लॉन्ग मार्च के बाद जो धरना, मैं तो इस बात पे शुक्र किया कि उन्होंने डिसाइड किया वापस जाने के लिए। वजह ये है कि पंजाब हुकूमत ने इतना तसादुम का एक माहौल पैदा कर दिया था कि बहुत सारी जानें ज़ाया हो सकती थी। पुलिस की जान ज़ाया हो वो भी तो हमारे हैं, और अगर लोगों की जान ज़ाया हो तब भी हमारे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी इमरान खान बुलाएंगे हम जाएंगे। आई थिंक जो आपने पूछा था सवाल कि आप दोबारा कॉल का इंतजार, मुझे लगता है ऑन लाइटर नोट आई मस्ट से कि मुझे लगता है इसी वजह से आपने अभी तक अपनी गाड़ी वर्कशॉप नहीं भिजवाई, कहीं दोबारा कॉल आ गई तो मैंने कोई लेके चला। मेरी गाड़ी इस काबिल ही नहीं रही थी कि वो चले, गाड़ी मेरी वर्कशॉप में खड़ी हुई भी है। मैंने उसको कहा है कि अगले 5 दिन के अंदर रिपेयर करो, उसको ठीक करो, सीधा करो, नए टायर डालो, ताकि मैं अगली में उसी को लेके जाऊंगी। अच्छा, अभी भी आप इंशाल्लाह फिक्र ही ना करें, सबसे आगे होंगी। यही हमें पता है कि आपने सबसे आगे हो जाना है। थैंक यू सो मच, आप आई यहाँ पे और अपना ख्याल बहुत रखिएगा, क्योंकि यकीन करें जो फिक्र है वो सबको होती है। एंड यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दीस वुमेन ऑफ पाकिस्तान। मेरी दुआ के ताडे वर की हिम्मत बिलावल भुट्टो साहब च भी आ जाए। ओके, स्विट्जरलैंड च गड्डी चलाना शुरू कर, जगह तो सही कर उन्होंने, वो बैठे उनको वहां बैठा रहने दो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।